जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में संपन्न हुआ। तहसील दिवस में शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए फरियादियों की फरियाद सुना गया और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि समाधान दिवस में भूमि और राजस्व विवाद के मामलों के साथ कुछ मामले आपूर्ति विभाग के भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आइए भाई, आवाज आ रही है। 13 तारीख की डेट लगेगी। दिवस में आज जिलाधिकारी महोदय का तहसील दिवस था, जो किसी कारणवश आचार संहिता लगे होने के कारण जिलाधिकारी महोदय आ नहीं पाए। राजस्व संबंधित मामले थे, खासतौर पर भूमि विवाद जो पैमाइश वगैरह को लेके थे, उसको काफ़ी मामले आज हमने मौके पर निश्चित कर दिए। कुछ मामले कोर्ट से संबंधित थे तो न्यायालय में उनका भेज कर और विधिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त
कुछ सप्लाई विभाग के भी कुछ आवेदन थे और कुछ विकास विभाग के आवास और शौचालय को लेकर थे, उसको भी संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि तत्काल रूप से प्रकरण की जांच करके मदद कराई जाए। बाकी रेवेन्यू के मैटर जो पैमाइश वगैरह के थे उसको भी तुरंत हमने निर्देशित कर दिया है। संयुक्त टीम जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है पुलिस और राजस्व की वहाँ बना के वो कर दिया गया है। तो आज का तहसील दिवस अच्छा लगा।